गुड मॉर्निंग आगरा से। तो सुबह हमारी ट्रेन है 10:10 में जाट एक्सप्रेस करके, और हमारी ट्रेन है उंडला से। उंडला की दूरी यहाँ से लगभग होगी 30 से 35 किलोमीटर। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है, रूम से चेकआउट करके और उंडला से पकड़ना है ट्रेन। तो सामान वामान तो पैक ही है, कल ज़्यादा इधर उधर हम लोग अस्त व्यस्त नहीं किए थे। तो ये सामने है आगरे का किला। हम लोग सोच रहे थे घूम लेंगे करके, लेकिन आज हड़बड़ी हो गई काफी। चलिए अगले बार फिर जाके रखते हैं। Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. तो बज गए 8 और हम लोगों को उंडला की बस भी मिल गई है। देखिए आते ही ऑटो से उतरते हैं, ठीक बस लगी हुई थी, बस भी बढ़िया है। Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way. बाबा लोग से परेशान कर रहा है। पंछी पेठा, पंछी पेठा यहाँ ब्रांड चलता है पंछी पेठा का। और हम लोग पहुंच गए टुंडला। तो पहुंच गए हम लोग उंडला और यहाँ पे देखिए बस रुकी है और ये सामने रेलवे स्टेशन, बड़ा मस्त दिख रहा है जगह। चले पहुंच गए रेलवे स्टेशन। हमारे ट्रेन का डिस्प्ले भी हो रहा है, 18310 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। हम लोग की गाड़ी आएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म में और ये है 7 नंबर और वो है 5 नंबर। तो 1 घंटा का टाइम है अभी। तो सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पी ले चाय, सामने स्टॉल लगे हुए हैं और ट्रेन तो अभी राइट टाइम दिखा रहा है। भाई मस्त पानी का ढक्कन खोल रहा है। अब लेगा जलानंद, क्या बात क्या बात। तो हो चुके हैं 6:17। आर्या की सीट में सौम्य चला जाता है तो सौम्य की सीट में आर्या चली जाती है। तो कभी चौमिन के लिए लड़ाई, कभी क्या चीज की लड़ाई, लोग ती मचा के छोड़ दिया, ती मचा के छोड़ दिया। मैं उसकी सीट में नहीं जाती हूँ, मेरी सीट में जाता हूँ। अभी ये रो रहा था कि इसको चौमिन नहीं है। ओ चाय गई चाय, मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ या तो सही करवा दो उसको। बोल रहे हैं उनको, हाँ बताओ जल्दी। सुबह से अभी बोले नहीं, जानकारी है तब भी। तो ट्रेन भी ऐसा है कि सुबह 10 बजे से इस पर पायो नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल से तो इसका एसी ठीक हुआ है। सुबह 10 बजे एसी बंद हो गई, उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद तो पूरा का पूरा जो बुगी था वो उबलने लगा था। उसके बाद कहीं जाके कंप्लेंट अपने नीचे जो भैया बैठे हैं ना, ये भैया ये सोल्जर हैं, ये कंप्लेंट डालें और कंप्लेंट डालने के बाद कहीं जाके अलग से तार खींच के एसी को ठीक किया गया। उसके बाद बोलते हैं कि पानी ठीक हो जाएगा आधे घंटे में कानपुर के बाद। कानपुर पार हुए लगभग 4 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक पानी भी ठीक नहीं हुआ है। अभी फिर से भैया कंप्लेंट डाल रहे हैं। जब शुरू में कंप्लेंट डाली गई तो बोले कि कानपुर में ठीक हो जाएगा। बताइए अभी तक 6 बजने वाला है, इतने सारे बच्चे हैं, लेडीज़ें हैं, इतना तकलीफ हो रहा है बिना पानी के, मत पूछिए। तो ये है जट एक्सप्रेस, संबलपुर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये है अपनी स्थिति रेलवे की। दिन भर तो बिना पानी के निकल गया, पता नहीं अब रात को क्या होता है। बड़ी मुश्किल है, सब परेशान है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और देखिए नज़ारा। ट्रेन मेरे ख्याल से 2 से 2.5 घंटे ये लेट चल रही है, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने क्षेत्र मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ की ओर प्रवेश करने वाले हैं, थोड़ा सा नज़ारा बदल गया है। मतलब पहाड़ियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते दिखाई दे रहे हैं,
टेढ़े मेढ़े रास्ते, काफी समय से प्लेन प्लेन रास्ते में हम लोग चल रहे थे। यूपी तरफ तो पूरा का पूरा प्लेन ही है। बस वो उठने के बाद मैं फ्रेश हो लिया और फ्रेश होने के बाद पिया चाय और चाय के साथ लिया ये टोस्ट का आनंद। तो पहुँचते ही मैं सोच रहा हूँ कि आज ही बाग बाहर निकल जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। प्यास रहेगा कि आज ही हम लोग निकल जाए। लगभग 5 से 6 घंटे का रास्ता है रांची से बाग बाहर। Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know the mother girls will love you like I do. Can't afford to give up on you. वाह, बच गए दिन के 11 और ये थी हमारी ट्रेन। एकदम थकावट महसूस हो रहा है सिर में। तो सौम्य को देखे मस्त सिर में बोह के ले जा रहा है सामान। हाँ, सामान बहुत ज़्यादा है। ये आर्या भी लेके चली गई। तो क्या है कि बहुत भारी है। तो मिल गई हम लोग को ऑटो, ये वाली। मैं आगे बैठ जाऊँ। And you know, तो गर्मी अचानक बढ़ गया रांची में। You know, I wanna treat you that way. No, I've been. तो सामने लगी हुई है जाम। तो बज गए 12:30, 1 घंटा फंस गया जाम में। लो भैया। हाँ जी। ना जी, अब मोह माया घेर लिया जी। ऐसा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? सीमा कहाँ जाओ है? तो पहुंच गए थे रांची 12:30 बजे के आसपास। उसके बाद हम लोग खा पी के थोड़ा सा लेट गए। सीधा अभी उठे हैं और उठते ही साढ़ू जी से संपर्क हुआ। साढ़ू जी कहीं अपनी लॉन्ग ड्राइव पे निकल रखे हैं। बोलने को लॉन्ग ड्राइव है वो, 10-5 किलोमीटर घूम फिर के आ जाएंगे लग रहा है। निकलते निकलते बज गया 7:30। तो निकल गए हम लोग। अभी हम लोग जाएंगे स्कूटी से और बाइक से। कौन कौन किसके साथ बैठेगा? हाँ, आर्या को बैठा लेते हैं। बड़े बड़े हो जाएंगे सब, इसीलिए। तो विशाल जा रहा है पल्सर से, मैं जा रहा हूँ स्कूटी से। सौम्य लोग कुछ लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। बोला लिट्टी चोखा। फिर बार देख के तो लग रहा है कि यहाँ स्पेशल दुकान ही है। तो खा लिए लिट्टी चोखा और साथ में दही बड़ा भी। अब निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ वापसी। और एक भैया मिल गए, इसको देख के मेरे को सचिन की याद आ रही है। हमारे गांव में जो मेरा एक छोटा भाई जैसा ही है सचिन गुप्ता, उसका ध्यान आ रहा है एकदम, बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं। ये एक व्यू पॉइंट है रांची का। बढ़िया साइड साइड में देखिए पूरा लाइटिंग दिख रहा है और बीच में बहुत बड़ा ये पता नहीं तालाब ही है लग रहा है मेरे को। विवेकानंद की स्टैचू बनी हुई बड़ी सी बीच में। मल्टीग्रेन सत्तू। 11 किलो। तो रात के बज चुके हैं 11:30। हम लोग आ गए हैं रूम। क्या बना रहे हो इतना? मैं बना रही हूँ वेजिटेरियन। हो गया रेडी और इधर चल रही है डीजे की तैयारी। डीजे जो बजाते हैं जो, और सब उसी के हिसाब से नाचते हैं जो वो इस वैसे करती है। टेस्ट करके देखते हैं। बढ़िया बना है बिरयानी। तो बस खाने की कमी थी, खाना भी हो गया कंप्लीट। अब सुबह यहाँ से जल्दी उठ के हम लोग को निकल जाना है बाग बाहर की तरफ, क्योंकि कल मार्केट डे भी है।
आज का ये बिरयानी बनाया है विशाल और आकांक्षा दोनों मिलके। वेज बिरयानी है, कोई दूसरा बिरयानी नहीं है। और बढ़िया टेस्टी लग रहा है सब कुछ और अच्छा व्यवस्था रहा। जमीन में खाने का मजा तो खैर अलग है, किसी को टेबल में बैठ के खाते तो उतना मजा नहीं आता, और सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं करके और ज्यादा मजा आ रहा है। तो बस इस बार का जो हम लोग का ट्रिप था यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि कल सेम वही रूट है जिस रूट में हम लोग आए थे। और कल सुबह सुबह जल्दी उठना भी और फास्ट निकलना भी है क्योंकि कल बाजार है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और चैप्टर क्लोज करते हैं इस बार का जो भी हम लोग का ट्रिप था उसका, और अगला ट्रिप देखते हैं कब बनता है। और रांची में ही हम लोग वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। तू चिल्लाए। क्यों चिल्लाए बाबू? जोशी आ गया बाबू एकदम। चिल्ला दिया। ताकि लोग सब्सक्राइब कर दें। खुश खुश रांची में आके। क्या? बाबू बहुत खुश रांची आके। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy?